हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी जो सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है। जियोलॉजी में जो सेकेंड सेमेस्टर बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, इसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूलर। बायो मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, फास्फोलिपिड, स्टार्च, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन पढ़ना है, जिसमें कि मैंने आज आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया और लिपिड पढ़ा भी दिया है। इसके बाद है दूसरा आपका है देखिए एंजाइम एंड रेगुलेशन, इसमें नॉर्म लिटरेचर है, क्लासिफिकेशन होगा, आइसोमर होंगे, मैकानिज़म होगा। तो देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, फिर भी आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। जब थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इसके बाद है आपको देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, जो इनका उपापचय होता है, अपचयन होता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं फैट का और लिपिड का, इसकी पूरी क्रिया मेटाबॉलिक क्रिया पढ़नी है। ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोजेनिस जो साइकिल जो होता है, ठीक है, ये सब इसमें के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहला में ये टॉपिक हो गए हैं जो कि आपके सिलेबस है जूलॉजी का सेकेंड सेमेस्टर का। इसके बाद आप देखोगे कि बीटा ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म प्रोटीन एंड द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, कैटाबॉलिज्म, अमीनिक एसिड पढ़ना है, यूरिया साइकिल पढ़ना है, ठीक है, फास्फोरेशन पढ़ना है, रेगुलेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिस्पायरेटरी चैन पढ़ेंगे। देन इसके बाद डाइजेस्टिव एंड द रिस्पायरेशन, तो इसमें से ये फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया, पूरी फिजिकल जो आपके अंदर होने वाली क्रियाएँ होती हैं, पाचन श्वसन, इसकी क्रिया पढ़ेंगे आप, मैकानिज्म पढ़ेंगे, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, मैकानिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, पल्मोनरी पढ़ेंगे, है ना, आर्टरी के बारे में पढ़ें, वेंस के बारे, मतलब ये कि इसमें क्या श्वसन तंत्र का पूरा, उसके पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फैक्टर है, और ये पढ़ने के लिए आपको जो सेकेंड ईयर की फिजियोलॉजी की बुक है उसमें भी आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है कंपाउंड एंड द ब्लड फंक्शन, ये देखिए ये भी जो आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, तो ये भी आपके सेकेंड ईयर का पूरा है, तो ये पूरी जो सेकेंड ईयर की एनिमल फिजियोलॉजी की बुक है उसमें आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ना है मेमलिज्म, हार्ट का, जो हृदय जो होता है स्तनधारी का, कार्डियक साइकिल पढ़ना है, आउटपुट पढ़ना है, रेगुलेशन पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रक्चर किडनी का, फंक्शन पढ़ना है, मैकेनिज्म यूरिन का पढ़ना है। इसके बाद नर्वस तंत्रिका तंत्र है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें देखिए आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा रिफ्लेक्शन वाला इस चैप्टर में, साथ ही ओरिजन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, टाइप ऑफ सिनॉप्सिस पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीनियल, प्यूटरिक, थायराइड, जो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। ये आपके जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में जो है आपको प्रैक्टिकल में एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन है, सहलीज हीमोग्लोबिन मीटर के द्वारा ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद ब्लड ग्रुप मतलब हीमोग्लोबिन परसेंटेज निकालना है, ठीक। उसके बाद हीमन क्रिस्टल का प्रैक्टिकल करना है, WBC RBC काउंटिंग का एक प्रैक्टिकल है, स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड जो होती है उसमें मैमल्स की स्किन, कार्टिलेज, बोन्स, स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपको नीडल टेस्ट फॉर द अल्फा अमीनो एसिड का है, बेनेडिक टेस्ट है, रिड्यूस शुगर एंड मतलब शुगर टेस्ट जो होता है वो भी रहेगा इसमें, आपको BP टेस्ट करना वगैरह, ये सब की आपके प्रैक्टिकल में रहेगा जो कि आपके जूलॉजी प्रैक्टिकल में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है